हे गाइस गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू क्या हाल चाल कैसे हो आप सब लोग एकदम बढ़िया एज यूजल एक्साइटमेंट हाई होता है रिवीजन सेशंस में सो गाइस आई एम अ बिट अर्ली क्या कहते हो कैसे हो आप सब लोग जस्ट चेक वेदर एवरीथिंग इज ऑल ओके वेदर यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली वेदर यू कैन सी मी प्रॉपर्ली वेदर मेरा राइटिंग पैड बरोबर से दिख रहा है सब कुछ बरोबर है कि नहीं एंड वंस वी आर डन विल स्टार्ट गोइंग अहेड गाइस एक बार सब कुछ बरोबर हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या कहते हो चलिए ट मीन चेक कैन यू यी सब लोग एक बार जकाज बोलो तो मुझे पता चले कि आप लोग सब मुझे सुन रहे हो बरबर सेशन गाइज चलिए मैडम आप मुझे देंगे कि मैं नोट्स पढ़ पाऊ उन लोगों के यस yes. आप इसमें चेक कर सकते हो चलो हाँ मैडम आप सब लोग को हाई बोल रहे गाइस मैडम दे दीजिए गुड चलो गुड आफ्टरनून गाइस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्नेहा गुड आफ्टरनून आरती गुड आफ्टरनून चलो एक मिनट पहले यस yes, आपको पता है मेरी आदत आई एम ऑलवेज लाइक ऑन टाइम थैंक यू मैम लक्ष्मी गुड आफ्टरनून जसप्रीत गुड आफ्टरनून अनमोल गुड आफ्टरनून लक्ष्मी गुड आफ्टरनून आरती गुड आफ्टरनून जय श्री कृष्णा बेटा गुड मॉर्निंग उत्कर्ष आरे वाह उत्कर्ष का गुड मॉर्निंग अभी हो रहा है स्नेहा गुड आफ्टरनून आरती जकाश प्रियंका जकाश जय श्री गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून जकास एवरी वन चलो ग्रेट चलो अवी ऑल देअ नाउ कैन बी स्टार्ट नहीं ओके लेट मी चेक दैट गाइज एक मिनट रुक जाइए ओके चलो फगेट अबाउट इट विल डू इट लेटर ये बंद कर दीजिए मैडम गुड आफ्टरनून टू एवरी वन गुड आफ्टरनून टी शर्ट जका से हाँ गाइज अभी थोड़े बड़े काम करने हैं तो बस टी शर्ट भी बनवा ली बहुत अच्छी खासी टी शर्ट है सो तो, बट अलग अलग कलर में मिलेगी आपको इट्स नॉट लाइक ओनली ब्लैक यू विल फाइंड इट यू विल फाइंड इट इन वाइट ऑल्सो संडे को कोई अलग कलर भी मिलेगा सो so गाइज um, जब उठो तब सवेरा क्यों उत्कर्ष एब्सोल्यूटली चलो कैन वी स्टार्ट अगर आप सब लोग रेडी हो अभी तो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ आर टाइम अगर हम लोग सब रेडी है गाइज़ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है हमारे रिविजन सेशन के लिए तो मैं सीधा जाता हूँ पॉइंट पे एंड गाइज uh, कल हम लोग ने चालू किया था समथिंग विच इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर पूरा हो चुका है डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हमारा पूरा हो चुका है सो वर डन विद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी आर डन विद डिस्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी गाइस वील गो हेड विद एंड इज नोन एज ए ए एस टू दैट इज वैलुएशन ऑफ इवेंट्री कैन वी गो टू ए एस टू दैट इज वैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री गाइज इफ यू ऑल कैन स्टार्ट गाइज ए एस टू वैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री करने के बाद हम लोग जाएंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉपरेशन बट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉपरेशन आज का सेशन नहीं होगा वो कल का सेशन होगा आज का पूरा सेशन ए एस टू वैल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री पे जाएगा नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट विद दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एस टू ए एस वन हो चुका है बट थोड़े रिविजन हो जाए बिफोर वी स्टार्ट विद दैट सो आंसर्स आप देंगे मुझे अंडरस्टैंड करना है कि आपको सारी कहानी याद है कि नहीं सो so, पहले दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर

अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस हू सेट्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई सी ए आई ने एक कमेटी बनाया दट इस जिसका नाम है ए एस बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टाबलिश्न दाइनटीन सेवेंटी सेवन दे आर रेस्पांसिबल फॉर सेटिंग दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्डिंग प्रोसेस की बात करूँ तो देर आर एट स्टेप्स स्टेप नंबर वन फॉर सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वन दैट इज एरिया आइडेंटिफाई करना फिर स्टडी ग्रुप बनाना है एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद स्टडी ग्रुप बनाने के बाद द थर्ड थिंग दैट कम्स इज गाइस रफ ड्राफ्ट बनाना है रफ ड्राफ्ट को सर्कुलेट करके उस पर कमेंट्स लेने हैं दैट इज फोर्थ वन फिफ्थ वन एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाना है उस पर कमेंट्स लेने हैं व्यूज लेने हैं स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करना है स्टैंडर्ड को इश्यू करना है परफेक्ट टू गुड गाइज इसके बाद हम लोग गए थे इफ यू आर नॉट रॉन्ग इज इंड एस इंड एस इज ए एस कन्वर्ट स्टैंडर्ड और आई एफ आर इज कन्वर्ट स्टैंडर्ड

जिसका नेटवर्थ इज इक्वल टू मोर टू फिफ्टी करोड़ इसे इंडेक्स फॉलो करना है एंड गाइस सारे ही पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी को भी इंडेक्स फॉलो करना है आई होप यू आर वेरी क्लियर टिल दैट गाइज ई एस वन डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सो डेफिनेशन ऑफ डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की अगर मैं बात करूंगा तो अकाउंटिंग पॉलिसी इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डन डस्टेड टू गुड गाइस नेक्स्ट वन व्हाट आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजोम्शंस गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अक्रूवल गाइज अगर हम लोग थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजॉम्पन्स फॉलो कर रहे हैं तो क्या हमें डिस्कलोज करना है कि हम थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजॉम्पन्स फॉलो कर रहे हैं आंसर है नहीं बट अगर हम लोग थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजॉम्पन्स फॉलो नहीं कर रहे तो क्या हमें डिस्कलोज करना है कि हम ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजॉम्शन फॉलो नहीं कर रहे आंसर इज येस गाइज वॉट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सो द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज पी एस एम गाइस पी स्टैंड फॉर प्रूडेंस हैश टैग सिद्धिक्सर गाइस कंजर्वेटिज्म एस फॉर्म हैश टैग माई मॉम हैश टैग माई वाटर बॉटल Hashtag depreciation and guys, last one if you remember very well, guys, is M that is materiality. Hashtag auditor code taxation fees pay karna. So PSM ho gaya. Can we change an accounting policy? Yes, we can change an accounting policy, but we can change an accounting policy only under three circumstances. What are the three circumstances we can change an accounting policy for? Guys, the three circumstances we can change an accounting policy for is first one. If law changes, if accounting standard changes, or guys, for better presentation. I hope you are very clear with that. And guys, last one disclosure. Guys, if there is a change in accounting policy, and uh, if you remember, if there is a change in accounting policy and it has a material impact in the current year, then amount can be estimated, then amount should be disclosed. But if the amount cannot be identified, then the fact should be disclosed if there is a change in accounting policy guys and if the policy does not have any impact in the current year but it will have the impact in the later years or in the future years then guys the fact should be disclosed i hope you are very very clear with that too good guys Today's chapter chalu karte hai, as2 that is valuation of inventory so let's go ahead with something that is as2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमारा चैप्टर नंबर थ्री होने वाला है सो गाइज चैप्टर नंबर थ्री इन रिविजन एंड चैप्टर नंबर थ्री इन रिविजन इज ए एस टू एंड दैट इज़ रिफर टू एस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अब गाइज़ ये स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन ये स्टैंडर्ड का स्कोप ये सब बाद में सबसे पहले क्वेश्चन पे मैं जंप मारूंगा एंड सबसे पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन इन्वेंट्री आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर लिखने के लिए हमें ए बी सी फॉलो करना है ए हमें स्टैंडर्ड का नाम लिखना है नंबर लिखना है बी हमें उसका डेफिनेशन लिखना है एंड गाइस फाइनली सी हमें उसका आंसर लिखना है सो so गाइज अगर ए से कोई भी क्वेश्चन आता है प्रोविजन लिखना है डेफिनेशन लिखना है तो ये डिफाइन इन्वेंट्री बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए सो आई आईल गो टू माई टेक्स्ट बुक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव स्कोप नहीं करा रहा हूँ मैं सीधा डेफिनेशन पे जाऊंगा सो गाइज डेफिनेशन में इन्वेंट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप सबको इन्वेंट्री के डेफिनेशन बरोबर से आनी चाहिए सो गाइज वॉट इज इन्वेंट्री अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है और नहीं लिख रहे हो तो गाइज प्लीज़ बोलिए मेरे साथ एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे सो वॉट इज इन्वेंट्री गाइज इन्वेंट्री आर असेट्स इन्वेंट्रीज आर असेट्स है ना गाइज इन्वेंट्री आर असैस विच इज फिनिश गुड्स और विच इज वर्क इन प्रोग्रेस और विच इज रॉ मटीरियल मैंने आपको ऐसे याद कराया है पीपल हु आर डूइंग दिस लेक्चर्स फर्स्ट टाइम प्लीज अंडरस्टैंड की डेफिनेशन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है So, inventories are assets held for sale in ordinary course of business. Held for sale in ordinary course of business. In ordinary course of business. I hope you are catching this up very well. गाइस ये हो गया हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब फिनिश गुड्स गाइस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल गाइज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल की बात करूंगा तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया or last one guys in form of material in form of material or supplies or supplies to be used in production in form of material सप्लाईज टू बी यूज इन प्रोडक्शन और फॉर रेंडरिंग सर्विसेस और फॉर रेंडरिंग सर्विसेस गाइज याद आ गया पूरा डेफिनेशन आपको जसप्रीत टू गुड स्नेहा यू आर डूइंग फैंटास्टिक दीपिका फेंटास्टिक आरती फैंटास्टिक उत्कर्ष टू गुड गाइज वॉट आर इन्वेंट्री एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे वॉट आर इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज आर असट हेल्प फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस Or in process of production for such sale, or in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering the services. Jakas, Igbar, or inventories or assets held for sale in ordinary course of business, or in process of production for sale, or in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering the services. Full stop. Jakas, great. गाइज ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर वन ऑलवेज एग्जामिनेशन में गाइज क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो सबसे बड़ा पार्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर टू में और सबसे बड़ा पार्ट आ जाता है इन्वेंट्री का जो एग्जामिनेशन में भी यही टेस्ट होता है इज मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो गाइज सिंपल है एज पर एस टू गाइज इन्वेंट्री Should be measured. Inventory should be measured at cost or NRV, whichever is less. You can say whichever is lower or you can say whichever is less. I guess this is very clear with reference to inventory. inventory should be measured at cost or nrv whichever is less are we exactly clear with that one guys yahan pe to aapko koi 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 bhi problem nahi hona chahiye do you agree with that one yes mukul for rendering services we can have even inventory which can be used for rendering the services theek hai mukul guys but अगर यहाँ के अंदर की detail अगर आपको बरोबर से याद हो ना तो अगर हमें बरोबर से सिखाया गया है तो inventory होती है raw material की इन्वेंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस की और इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स की गाइज इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना है गाइज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड ऑलवेज एट कॉस्ट याद आ रहा है बिकॉज गाइज रॉ मटीरियल का एनआरवी नहीं होगा रॉ मटीरियल का नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगा रॉ मटीरियल का सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है कॉस्ट तो रॉ मटीरियल को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे वैल्यू करना है Are we exactly clear with that one? But guys, if the selling price of the finished goods is less than the cost price of the finished goods, तो फिर raw material को value करना है replacement cost पे। Do you all remember this now? But कहीं ना कहीं कली मुझे रात को किसी ने question किया था कि sir एक doubt आ रहा है। मैंने बताइए क्या doubt आ रहा है। तो उसने कहा कि sir raw material should be valued at cost or replacement cost whichever is less. आई सेड नो एकदम गलत इंटरफेरेंस है गाइस एकदम सिंपल सा इंफ्लेंस होना चाहिए आपका कि रॉ मटेरियल को ऑलवेज कॉस्ट पे वैल्यू करना है बट अगर सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल के कॉस्ट प्राइस से भी कम हो तो रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करेंगे क्लियर फैंटास्टिक नो प्रॉब्लम्स विद दैट टू गुड गाइस अब हम लोग जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की बातें करने तो गाइस वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स दोनों सेम है दोनों सेम है मतलब वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करोगे वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआर वी विच एवर इज लेस डू यू अग्री विद दैट वन पक्का कोई डाउट नहीं है ग्रेट गाइस नेक्स्ट चीज आती है क्वेश्चन नंबर थ्री अगर यहां तक हमारी चीजें बरोबर से है सो so कॉस्ट कैसे निकाले गाइस अगर हमें इन्वेंट्री का कॉस्ट ढूंढना है तो कॉस्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए और कॉस्ट में क्या एक्सक्लूड होना चाहिए अगर मैंने आपको बरोबर से सिखाया अगर आपने बरोबर से पढ़ा अगर हमारा क्रैश कोर्स बरोबर से चल रहा है हमारा रिविजन बरोबर से चल रहा है हमारा मैराथन बरोबर से चल रहा है तो गाइस कॉस्ट शुड इंक्लूड थ्री थिंग्स एंड कॉस्ट शुड एक्सक्लूड फोर थिंग्स कॉस्ट शुड इंक्लूड वॉट गाइस कॉस्ट शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब रॉ मटेरियल खरीदने का कॉस्ट आ जाएगा अगर बंदा ट्रेडर है तो फिनिश गुड्स खरीदने का कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ़ परचेज में अगर कोई डिस्काउंट है तो वो लेस करना है बट अगर कॉस्ट ऑफ़ परचेज के अंदर गाइज़ यू नो इफ़ यू हैव गॉट समथिंग विच इज़ टैक्सेस अगर टैक्सेस का सेट ऑफ़ मिल जाएगा तो ऐड नहीं करना है बट टैक्सेस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा तो ऐड करना है कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद आना चाहिए गाइज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में गाइज ओवरहेड्स आ जाते हैं ओवरहेज में फिक्स्ड ओवर आते हैं वेरिएबल ओवरहेज आते हैं वेरिएबल ओवरहेज को कॉस्ट पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करना है बट फिक्स्ड ओवर को एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच इज लेस पे लेना है परफेक्ट है एंड एनगाइज लास्ट वन आ जाता है दी अदर डिरेक्ट कॉस्ट और ऑरगाइज अदर डिरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो इन्वेंट्री को इन्वेंट्री तक लाने के लिए हेल्प करते हैं सो so, ये हो जाएगा हमारा इंक्लूजन इंक्लूजन के अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अदर डायरेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूजन एक्सक्लूड क्या नहीं आना चाहिए सो गाइस एक्सक्लूजन में नहीं आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज कॉस्ट गाइस स्टोरेज कॉस्ट के बाद जो चीज नहीं आनी चाहिए वो है एबनॉर्मल वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बट एबनॉर्मल वेस्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एबनॉर्मल वेस्टेज शुड बी चार्ज टू एबनॉर्मल वेस्टेज शुड बी चार्ज टू पी एन एल दर्श क्वेश्चन पूछ रहा है सर इसमें कैश डिस्काउंट कोई नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे बिकॉज कैश डिस्काउंट इज नॉट अपलीकेबल टू एवरी वन इट इज अपलीकेबल टू ओनली टू पीपल हु अवेल द कैश डिस्काउंट सो कैश डिस्काउंट पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाता है बेटा कैश डिस्काउंट कंसिडर नहीं करना है क्लियर है गाइज स्टोरेज कॉस्ट नहीं आना चाहिए एबनॉर्मल वेस्टेजेस नहीं आना चाहिए गाइज इसके बाद एडमिन कॉस्ट नहीं आना चाहिए और गाइज इसके बाद सेलिंग कॉस्ट भी नहीं आना चाहिए सो so ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन विथ रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री गाइस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बाद आता है फोर्थ चीज विच इज नोन एज एनआरवी गाइस एनआरवी याद है कि नहीं है एनआरवी किसका निकालना पड़ेगा एनआरवी फिनिश गुड्स का निकालना पड़ेगा एनआरवी वर्क इन प्रोग्रेस का निकालना पड़ेगा डू यू अग्री विद दैट वन गाइज अगर हमें एनआरवी फिनिश गुड्स का निकालना है सो हाउ डू यू कैलकुलेट दी एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स Guys, NRV of the finished goods is very simple. It is estimated selling price of finished goods, guys, minus estimated cost to sale. बेचने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो खर्चे माइनस कर देने हैं तो हमें एन आर वी मिलेगा एनआरवी का बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है फील लेना जरूरी है एंड क्या फील लेना जरूरी है पता है कि अल्टीमेटली हमारे हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं दैट इज एन आर वी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर वी क्लियर विद दैट टू गुड कईज अगर वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालना है हमें तो वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का ही लेना वर्क इन प्रोग्रेस का कोई सेलिंग प्राइस नहीं होता है गाइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल तो लेस करना ही करना है गाइस, पर इसके अलावा एक और चीज़ लेस करनी है दैट इज लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी लेस कर देना है तो गाइस हमारे पास आ जाएगा एन आर वी डू यू अग्री विथ दैट गाइज एवरी वन ये सारी कहानी एकदम क्लियर है सब याद आ रहा है पूरा ए एस टू में मैंने जो आप लोगों को कराया है पूरा बरोबर से कहानी टू गुड बढ़िया ना ग्रेट सो गाइज दिस इज माई क्वेश्चन नंबर फोर गाइज क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाता है गाइस अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ़ कन्वर्जन में मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूँ एग्जामिनेशन में शायद एक क्वेश्चन आ जाए गाइस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में वेरिएबल कॉस्ट को किस पे एब्सॉर्ब करना है वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट पे एब्सॉर्ब करना है एंड गाइस फिक्स्ड कॉस्ट को किस पे एब्सॉर्ब करना है फिक्स कॉस्ट को गाइस एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच इज लेस पे करना है इस पर हमारे पास आईसीआई के स्टडी मटीरियल में एक क्वेश्चन भी है आई वुड प्लीज आस्क यू टू रेफर दैट वंस एकदम क्लियर कोई डाउट नहीं टू गुड गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है गाइस कि अगर हमारे पास प्रोसेस में स्क्रैप निकले तो उसका क्या करोगे अगर हमारे पास प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका क्या करोगे और गाइस फाइनली अगर हमारे पास प्रोसेस में जॉइन प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका क्या करोगे स्क्रैप का क्या करोगे बाय प्रोडक्ट का क्या करोगे जॉइन प्रोडक्ट का क्या करोगे डू यू अग्री विद दैट गाइस आप बताइए मुझे गाइस अगर हमारे प्रोसेस में स्क्रैप निकलेंगे तो उस पर किस पे वैल्यू करेंगे गाइज इसको स्क्रैप प्राइस या स्क्रैप वैल्यू पे ही वैल्यू करेंगे एंड गाइस इसे याद रखना है आपको कि इसे लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा बाय प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करोगे गाइस बाय प्रोडक्ट को ऑलवेज एंड ऑलवेज एन आर वी पे करेंगे गाइस अगर कोई प्रॉफिट दिया है तो इग्नोर करना है और गाइस इससे भी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस करेंगे डेल मी डू यू अग्री विद दिस इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई नोट्स रीड कर रहा हूं और नोट्स से रीड करके आपको रिवाइज करा रहा हूं ये नोट्स बनाते जा रहे हैं ये मजा है नोट्स बनाने की गाइज अभी एग्जैक्टली क्लियर विद डेट वन एंड गाइज थर्ड वन आ रहा है हमारा बाय प्रोडक्ट सॉरी ज्वाइंट प्रोडक्ट अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट आएगा गाइज तो ज्वाइंट प्रोडक्ट को क्या करना है ज्वाइंट प्रोडक्ट को अलोकेट करना है ज्वाइंट प्रोडक्ट को क्या करना है अलोकेट करना है रैशनल और रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट करना है मतलब इन सिंपल वैल्यू में अगर मैं कहूँ ना आपको तो इसे आप सेल्स वैल्यू के बेसिस पे अलोकेट करोगे कौन से बेसिस पे अलोकेट करोगे सेल्स वैल्यू के बेसिस पे अलोकेट करोगे सो दिस इज माय स्क्रैप का कहानी बाय प्रोडक्ट का कहानी ज्वाइंट प्रोडक्ट का कहानी टेल मी क्लियर विद दिस आल्सो टू गुड गाइज क्वेश्चन नंबर सेवन जो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन होगा फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाएंगे गाइस इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स सो दिस इज माय इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक गाइस अगर मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक की बात करता हूँ तो इन सिंपल लैंग्वेज इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक कैन बी बाइफोकेटेड इन टू टू पार्ट डू यू रिमेंबर दोज टू पार्ट्स गाइस पहले इन्वेंट्री को क्लासिफाई करना है दो पार्ट में कौन से दो पार्ट में इन्वेंट्री को क्लासिफाई करना है गाइस इंटरचेंजेबल एंड गाइस सेकेंड नॉट इंटरचेंजेबल नॉट इंटरचेंजेबल परफेक्ट है सो फर्स्ट वन इन्वेंट्री विच इज इंटरचेंजेबल एंड सेकेंड वन गाइस विच इज नॉट इंटरचेंजेबल अब ये एक्सैक्टली क्लियर विद दैट वन आरती डायरेक्टली हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल पे नहीं आएगा अब ये एक्जैक्टली क्लियर विद दिस वन गाइस इंटरचेंजेबल एंड नॉन इंटरचेंजेबल अगर इंटरचेंजेबल में अगर हम लोग बात करेंगे देन इंटरचेंजेबल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बट अगर इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो यहां पे सिर्फ एक ही मेथड है एक ही मेथड एंड गाइज इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब क्या होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का सिंपल सा मतलब होता है कि एवरी इन्वेंट्री पिक करना है वैल्यू करना है इन्वेंट्री पिक करना है वैल्यू करना इन्वेंट्री पिक करना है वैल्यू करना बस दैट्स दैट्स इट व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू गाइज इन्वेंट्री इज इंटरचेंजेबल अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो गाइज हमारे पास आएंगे यहाँ पे फिर से दो मेथड द फर्स्ट मेथड इज नोन एज हिस्टोरिक एंड गाइज द सेकेंड मेथड इज नोन एज नॉन हिस्टोरिक आई वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन टू गुड मैंने किसी का कमेंट पढ़ा कि इसे प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ पढ़ना चाहिए नीलम कह रही है इसे प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ पढ़ना चाहिए नीलम ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रैक्टिकल आई डोंट नो कौन कहता है कि ये थ्योरी है ठीक है बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेज है जिसपे पूरी दुनिया बसी हुई है तो ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रैक्टिकल हिस्टोरिक एंड नॉन हिस्टोरिक गाइज हिस्टोरिक में हमारे पास फाइनली दो मेथड आ जाएंगे कौन से दो मेथड आ जाएंगे हिस्टोरिक में हमारे पास द फर्स्ट वन इज नोन एज फीफो द सेकेंड वन इज नोन एज वेटेड एवरेज गाइज नॉन हिस्टोरिक मेथड में हमारे पास दो मेथड्स आ जाएंगे कौन से दो मेथड्स आ जाएंगे हमारे पास नॉन हिस्टोरिक में गाइज रिटेल इन्वेंट्री मेथड एंड गाइज सेकेंड वन इज रिफर टू ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड अगर आपको ये सारी कहानी याद है तो गाइज अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में टेल मी गाइस डू यू रिमेंबर दिस एवरी थिंग ये सारे सात क्वेश्चंस बरबर से याद है अगर आपको चाहिए तो मैं सारे सात क्वेश्चंस एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा दिखा दू ये है मेरे लिए एक शॉर्ट में सिनॉपसिस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन ठीक है सो गाइस सिंपल सी कहानी फर्स्ट वन वॉट इज इन्वेंट्री एस परिफाइंड सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सट सेल or in form of material or supplies to be consumed in production process or for rendering the services. Second, inventory ka measurement. As per AS2, inventory should be measured at cost or NRV whichever is less, but raw material should always be valued at cost. Only if the selling price of finished goods is less than the cost price of finished goods, then the raw material should be valued at replacement cost. But work in progress or finished goods, they should always be valued at cost or NRV whichever is less. Question number three, what is included in the cost of inventory? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड करना है ना अदर डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना है स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है एब नॉर्मल वेस्टेजेस इंक्लूड नहीं करना है एडमिन इंक्लूड नहीं करना और सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है एनआरवी निकालने का तरीका एनआरवी आर सी ए क्रैकर सर लाइफ किस में आता है लाइफ किस में आता है लाइफ क्या होता है क्रैकर ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा नेक्स्ट वन सर एनआरवी निकालने का है तो फिनिश गुड्स का अगर एनआरवी निकालना है आपको तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस दी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल बट अगर वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालना है तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन निकालते वक्त वेरिएबल कॉस्ट आएगा तो कॉस्ट पर यूनिट पे लेना बट अगर फिक्स कॉस्ट आएगा तो एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच एवरेज लेस पे लेना है गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर हम स्क्रैप वैल्यू की बात करेंगे तो स्क्रैप को ऑलवेज स्क्रैप पे वैल्यू करना लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना सीए क्रैकर बेटा आप बहुत पुरानी दुनिया में चल रहे हो लीफो इज स्क्रैप सालों हो गए लीफो को स्क्रैप करते हुए नेक्स्ट वन बाई प्रोडक्ट को ऑलवेज एनआरवी पे मेजर करना है प्रॉफिट आएगा तो इग्नोर करना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस करना है फाइनली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाएगा वो ज्वाइंट प्रोडक्ट को अलोकेट दोगे और कौन से बेसिस पे अलोकेट करेंगे सेल्स वैल्यू पे अलोकेट करेंगे एंड फाइनली इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक की बात करें तो इंटरचेंजेबल नॉट इंटरचेंजेबल इफ द इन्वेंट्री इज इंटरचेंजेबल तो गाइज इसे हिस्टोरिक एंड नॉन हिस्टोरिक बट इफ द इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल देन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड गाइज हिस्टोरिक के अंदर आएगा फीफो एंड वेटेड एवरेज और नॉन हिस्टोरिक के अंदर आएगा डिटेल इन्वेंट्री एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस ठीक है कोई डाउट आई गो हैड नाउ चलिए गाइज लेट स्टार्ट पिकिंग अप द क्वेश्चन इफ यू गाइज आर रेडी सो गाइज मैं टेक्स्ट बुक बंद कर रहा हूं बिकॉज टेक्सट बुक से हमने सारी चीजें रिवाइज कर लिया है गाइज अब मैं जा रहा हूं इन्वेंट्री वैल्यूशन के लिए एंड uh, पहले मैं तुम्हें फाइनल पुश कराता हूं फाइनल पुश कराने के बाद अगर हमारे पास और टाइम बचेगा तो हम कंपाइलर पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन गाइज आई यू ऑल रेडी टू सॉल्व माई क्वेश्चन नंबर वन सब लोग एक बार जकास बोल दो एंड प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना चलिए रिटेल इन्वेंट्री मेथड हरिता रिटेल इन्वेंट्री मेथड में कुछ नहीं करना है सेलिंग प्राइस दैट इज सेल्स माइनस जीपी करना है दैट इज रिटेल इन्वेंट्री मेथड ये ऐसे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन के लिए होती है जिसकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती नहीं है तो हम क्या करते पता है सेल्स में से जीपी माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है समथिंग विच इज नोन एज कॉस्ट चलो क्वेश्चन नंबर वन इफ यू ऑल गाइज आर रेडी ए लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई फॉर विच रॉ मटीरियल एक्स इज रिक्वायर्ड द कंपनी प्रोवाइड यू विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड इड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन रुपीज पर यूनिट रॉ मटीरियल कॉस्ट इज थ्री एटी गाइज रॉ मटेरियल है एक्स का और केमिकल वाई है हमारे लिए फिनिश गुड्स तो गाइज ये क्वेश्चन में हमारे पास रॉ मटेरियल और हमारे पास फिनिश गुड्स है सो कॉस्ट प्राइस 380 एटी अनलोडिंग चार्जेस इस ट्वेंटी फ्रेट इन बर्ड फोर्टी रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया गया है 300 हंड्रेड केमिकल वाई का मटीरियल कंज्यूम्ड इज थ्री फोर्टी डायरेक्ट लेबर इज वन ट्वेंटी एंड वेरिएबल ओवर एज आर एटी गाइज टोटल फिक्स ओवर एज फॉर द ईयर वॉज रुपी फोल फॉर द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटीरियल एक्स इज था एंड केमिकल वाई इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यू रिक्वायर टू कैलक्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रो मेटीरियल एक्स एंड केमिकल वाई अकॉर्डिंग टू ए एस टू वैन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज एट हंड्रेड पर यूनिट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ केमिकल वाई इज सिक्स हंड्रेड पर यूनिट गाइज दो बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है सबके पास गाइस पहले मुझे आप ये बताइए कि क्या आपने सब लोगों ने फाइनल पुष्प का प्रिंट आउट निकाला और अगर नहीं निकाला है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से प्लीज़ फाइनल पुश का प्रिंट आउट निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर रहा हूँ मैं फाइनल पुश का एंड दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर वन गाइस रॉ मटेरियल एक्स की कहानी है रॉ मटेरियल एक्स का कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो कॉस्ट प्राइज आ रहा है थ्री गाइस आंसर ऐसे नहीं लिखना ठीक है आंसर कैसे लिखेंगे पता है आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं एसपर ए एस टू गाइज इन्वेंट्री को डिफाइन कर दो इन्वेंट्री को डिफाइन कर दो गाइज इसके बाद वापस नेक्स्ट पैराग्राफ में एसपर ए एस टू इन्वेंट्री के मेजरमेंट के बारे में बता दो दैट इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज लेस ये बता दो गाइज अब आगे चलो अब क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाओ तो मैं बात कर रहा हूँ रॉ मटेरियल एक्स की रॉ मटेरियल एक्स का मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए कॉस्ट तो कॉस्ट है कॉस्ट प्राइज इज़ थ्री हंड्रेड एंड एटी गाइज अनलोडिंग चार्जेस आ जाएंगे ट्वेंटी सो कॉस्ट थ्री एटी अनलोडिंग चार्जेस ट्वेंटी और फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा फोर्टी सो so गाइस 380 एटी प्लस ट्वेंटी इज 400 plus 40 प्लस फोर्टी इज 440 एंड गाइस रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जाएगा इसका 300 सो आई गेस दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू फिनिश गुड्स की बात करूं तो गाइस फिनिश गुड्स में उन्होंने कहा है मटीरियल कंज्यूम्ब इज 440 तो मटीरियल कन्ज्यूम्ड आ गया 440 और फिनिश गुड्स का मैं क्या निकाल रहा कॉस्ट निकाल रहा हूं. तो चालू करूंगा मैं 440 वो जो रॉ मटेरियल था वहीं से चालू हो रहा है गाइस प्लस इज डायरेक्ट लेबर ऑफ़ वन ट्वेंटी सो डायरेक्ट लेबर ऑफ़ वन ट्वेंटी गाइज़ प्लस वेरिएबल ओवर हैड्स ऑफ एटी प्लस वेरिएबल ओवर हेड्स ऑफ एटी आई होप यू गाइज आर कैचिंग दब गाइज़ वेरी वेल गाइज प्लस फिक्सड ओवर हीड्स फोर लैख था ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स की बात थी गाइज़ फोर लैख को ट्वेंटी थाउजेंड से डिवाइड करो मेरा कैलसी नहीं है मैडम को ज़रा याद कराता हूँ मैडम अगर आप जाग रहे हो तो मुझे कैलसी दोगे गाइस फोर लाख डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड तीन जीरो आउट तीन जीरो आउट एक और जीरो आउट इज़ इट कमिंग टू ट्वेंटी सो प्लस ट्वेंटी चलिए गाइस टोटल फोर फोर्टी प्लस वन टू हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी ये आ गया हमारा फिनिश गुड्स गाइज आल्टरनेटिव नंबर वन एन आर वी ऑफ फिनिश गुड्स सो गाइज़ एन आर वी और फिनिश गुड्स कितना दिया गया है एट हंड्रेड दिया गया है गाइज़ अगर एन आर वी और फिनिश गुड्स एट हंड्रेड दिया गया है तो रॉ मटीरियल को किस पे वैल्यू करोगे रॉ मटीरियल को वैल्यू करेंगे हम लोग कॉस्ट पे तो गाइज़ रॉ मटीरियल की कहानी बनाते हैं रॉ मटीरियल के क्लोजिंग यूनिट्स थे थाउजेंड सो गाइज दिस इज थाउजेंड इन टू फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एंड गाइज फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो फिनिश गुड्स के थे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स कॉस्ट और एन आर वी विच एवर इज़ लेस कॉस्ट इज़ लेस सो दिस इज़ सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी गाइज कोई कैलकुलेट करके आंसर बताइए मुझे थाउजेंड इंटू फोर फोर्टी सो दिस इज़ फोर फोर्टी एंड दिस इज थाउजेंड एंड गाइज सिक्स सिक्सटी इंट ट्वेंटी फोर थाउजेंड हाँ मुझे सिक्स लाख सिक्स सिक्सटी इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड मेरे पास यहाँ पे आंसर रेडी होगा सिक्स सिक्सटी इंटू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इज़ फिफ्टीन लाख एट्टी फोर थाउजेंड so guys 440 plus uh, 1584 is 20 lakh 80 and 40 24000 जकास है नीचे आंसर चेक भी हो रहे हैं और हम लोग ये आंसर साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं if you all are working the solutions along with me then you are getting this answers correct guys next one is alternative number two alternative number two कहता है कि NRV of finished goods आपको लेना है सिक्स हंड्रेड गाइज अगर एनआर वी ऑफ फिनिश गुड्स आपको सिक्स हंड्रेड लेना है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस द सेलिंग प्राइस इज लेस तो गाइज यहाँ पे इस केस में हमें रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेना पड़ेगा सो थाउजेंड इंटू थ्री हंड्रेड एंड गाइज फिनिश गुड्स को हम लोग लेंगे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड सो गाइज ये आंसर आ जाएगा आपका थ्री लाख और गाइस ये आंसर आ जाएगा आपका टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड इज फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड सो फोर्टीन 3 फोर्टी थाउजेंड प्लस थ्री आंसर इज सेवेंटीन लैख फोर्टी थाउजेंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ देम आर गेटिंग दिस आंसर करेक्ट एंड जगाज बोल दो यार एक बार गाइज दैट्स द वे वी रॉक क्या कहते हो एकदम बढ़िया क्रैकिंग लविंग ग्रेट टू गुड आरती ने अपना नाम ही इतना अच्छा रखा ना कि वहाँ पे वो जो स्माइली है विथ रेड फेसिस इज टू गुड आरती फैंटास्टिक श्री इज गेटिंग राइट आंसर श्रेया इज़ गेटिंग राइट आंसर इट्स मी टू थाउजेंड वन गेटिंग राइट आंसर दीपिका टू गुड प्रियंका टू गुड हरप्रीत टू गुड जयश्री टू गुड ग्रेट गाइस ग्रेट 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले विदाउट वेस्टिंग अच टाइम एक एक घंटे में एक एक चैप्टर का रिविजन एटलीस्ट करना है सो so, गाइस और आगे बढ़ते हैं question number 2 if you guys are ready and i think you guys are ready chalo question number 2 mr akshit gives the following information relating to items forming the part of inventory as on 31st of march 2019 his factory produces product x using raw material a so guys his factory produces product x using raw material a so raw material a hai फिनिश गुड्स एक्स है और इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी है मैं पहले क्वेश्चन रीड करने के पहले एग्जामिनेशन में क्या करूंगा एज पर एस टू गाइस यहां पे लिखूंगा इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज दिस इज द फर्स्ट थिंग आई विल स्टार्ट गाइस नेक्स्ट वन एज पर एस टू इन्वेंट्री ज़ मैज एट ये दो कहानी तो मैं लिख ही दूंगा ये लिखने के बाद मैं वापस एक बार कहानी चालू कर रहा हूँ आप लोग के साथ तो सबसे पहली कहानी आ रही है रॉ मटीरियल की और रॉ मटीरियल के कॉस्ट की बात कर रहे हैं एट हंड्रेड ऑफ रॉ मटीरियल वॉज परचेज एट वन फोर्टी सोगा इस रॉ मटीरियल का कॉस्ट इज़ 140 और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 190 ये क्वेश्चन में दिया गया आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अपरी वेल गाइज नेक्स्ट वन सिक्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स गाइज हम लोग बात कर रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस की वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट दिया गया है थ्री हंड्रेड एंड टेन और गाइज उसका हमें निकालना पड़ेगा एनआरवी तो निकालेंगे गाइस फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो टोटल कॉस्ट इज थ्री सिक्सटी और अब मैं जा रहा हूँ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स का कॉस्ट दिया गया है हमें थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी और हमें उसका क्या निकालना है एन आर वी निकालना है सो एन आर वी गाइज एन आर वी कितना है टोटल कॉस्ट इंक्ॉर्ड इज थ्री सिक्सटी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइज इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी सो गाइज एन आर वी इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी गाइज इसका एन निकालने के लिए 350 हंड्रेड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल तो नहीं दिया गया था बट कॉस्ट टू कंप्लीशन दिया गया था 50 सो so गाइज 350 हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस फिफ्टी आपका आंसर आ जाएगा 300 हंड्रेड टेल मी डू यू अग्री विथ दिस अब रॉ मटीरियल की बात करते हैं रॉ मटीरियल के कितने यूनिट्स थे सर रॉ मटीरियल के 800 यूनिट थे गाइज रॉ मटीरियल को किस पे वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए बट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स एंड येस द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स तो रॉ मटीरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहिए बट गाइज अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप देखेंगे ना तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो यहाँ पे वन नाइनटी है अब 190 का रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो गाइस कॉस्ट से भी ज्यादा है तो आप कॉस्ट से ज्यादा तो उसे वैल्यू ही नहीं कर सकते रॉ मटीरियल को कॉस्ट से ज्यादा तो हम कभी वैल्यू नहीं कर सकते तो गाइस ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे यहां पे वैल्यू नहीं होगा क्यों नहीं होगा यहां पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू बिकॉज द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज लेस देन द कॉस्ट इज लेस देन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट सो so गाइस ये 800 यूनिट्स को आप 140 पे ही मेजर करेंगे गाइस वर्क इन प्रोग्रेस पे आ जाएगा इसीलिए मैंने कहा है कि ये सारे क्वेश्चन फाइनल पुश है फाइनल पुश ये आपको फाइनल ट्रेनिंग देने वाला है वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूंगा तो आई हैव गॉट 650 हंड्रेड एंड फिफ्टी यूनिट्स सो गाइज आई हैव गॉट सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी यूनिट्स और सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी यूनिट्स को किस पे मेजर करूंगा मैं थ्री हंड्रेड पे मेजर करूंगा और गाइस फिनिश गुड्स की बात करूंगा तो फिनिश गुड्स में मेरे पास है 1800 यूनिट्स और गाइस ये 1800 यूनिट्स को किस पे मेजर करूंगा मैं 350 पे मेजर करूंगा वन टू एंड थ्री आर वी क्लियर विद दैट जकास गाइस आंसर सो योर आंसर हैज़ टू बी 800 हंड्रेड इन वन फोर्टी वन ट्वेल्व सो आपका आंसर आ जाना चाहिए दिस इज़ वन ट्वेल्व ंड्रेड सो दिस इज सिक्स इंटू थ्री इज वन लाख नाइनटी दिस इज वन लाख नाइनटी एंड गाइस फाइनली एटीन हंड्रेड इंटू थ्री थर्टी थाउजेंड सो गाइस दिस इज सिक्स लाख थर्टी गाइस कैलकुलेटर टोटल आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ नाइन लाख थर्टी बोलो कितने लोगों को ये आंसर आ रहा है हाउ मेनी ऑफ दर गेटिंग दिस आंसर ग्रेट ग्रेट सो हरप्रीत इज गेटिंग राइट आंसर इट्स मी 2001, थाउजेंड आरती इज गेटिंग राइट आंसर श्रेया इज गेटिंग राइट आंसर आयुष इज गेटिंग राइट आंसर श्री इज गेटिंग राइट आंसर दीपिका कह रही सर हम लोग ट्राई करें नहीं दीपिका बेसिकली ये रिविजन है ये थोड़ा फास्ट जाएगा तो यहाँ पर मैं आपके ट्रायल के लिए क्वेश्चन थोड़े कम छोड़ूंगा दीपिका ठीक है एंड एनी यू आर गेटिंग अ राइट आंसर प्रियंका जकास उत्कर्ष जकास आयुष जकास ग्रेट 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 चलो ये सारी कहानी बहुत अच्छी तरह से चल रही है हरिता इज ऑल्सो गेटिंग राइट आंसर अर्जुन सर फर्स्ट क्लास अर्जुन नीलम इज गेटिंग राइट जयश्री इज गेटिंग राइट दीपिका ओके सर जी चलिए गाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर टू इफ यू गाइज आर रेडी कैन आई गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज आ गाइज़ ये क्वेश्चन नंबर थ्री मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट है दिस इज ग्रेट क्वेश्चन गाइज ग्रेट क्वेश्चन चलो इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मुझे लगता है कि हमारी सारी यू नो काइंड ऑफ इन्वेंट्री की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है और मुझे ना अपने आप पे प्राउड फील हो रहा है थोड़ा मैंने जो फाइनल पुश बनाई है बहुत जकास बनाई है गाइज़ फर्स्ट वन जॉय हैज़ परचेज ट्वेंटी थाउजेंड किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटीरियल एट ट्वेंटी पर किलोग्राम सो गाइज रॉ मटीरियल यहीं से आ रहा है परचेज़ जो हमारा है वो है हमारा ट्वेंटी थाउजेंड किलोग्राम एट ट्वेंटी ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन दे हैव फर्निश द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च गाइज ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटीरियल था टू थाउजेंड एट अ कॉस्ट ऑफ वन लाख फिनिश गुड्स था रॉ मटीरियल टू थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था एट कॉस्ट ऑफ़ फोर्टी फोर थाउजेंड डायरेक्ट लेबर इज़ थ्री लाख सिक्स थाउजेंड फिक्सडोर आर थ्री लाख सेल्स आर ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ इलेवन लैक ट्वेंटी थाउजेंड Closing inventory may finished goods 2400 and raw material 1800. The plant has capacity to produce 30,000 units of finished goods per annum. However, the actual production of the finished goods during the year 2020-21 was 20,400 units. Due to the fall in the market demand, the price of finished goods in which raw material has been utilized is expected to be sold at 40 per unit. The replacement cost of the raw material was 19 per kilogram.

और एक बार आप लोग ने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तो मेरे को बताना कि यू आर ऑलरेडी डन रीडिंग दिस क्वेश्चन आई टेक दिस क्वेश्चन अहेड गाइस डन चलो एवरी वन ऑफ यू आर टेलिंग मी डन सो आई टेक द क्वेश्चन नंबर थ्री अहेड गाइस सबसे पहले एज पर एस टू इन्वेंट्री इज डिफाइंड एस ये कहानी आ जानी चाहिए सेकेंड एज पर ए एस टू इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट ये कहानी भी आ जानी चाहिए गाइज अब मैं काम करूंगा रॉ मटेरियल के बारे में So, guys, raw material ka cost per unit, that is the cost per unit, if I am not wrong, they have already told you is 20,000 kilograms at 20 per kilogram. So, raw material ka cost per unit is rupees 20 per kg. Guys, raw material ka replacement cost is 19 per kg. 19 per kg. Is this clear? Too good. गाइज अब आ रहे हैं फिनिश गुड्स की बात है अब फिनिश गुड्स को एकदम आराम से अंडरस्टैंड करना है गाइज फिनिश गुड्स के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा रॉ मटीरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा दैट इज ओपनिंग गाइज प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग गाइज मच वॉज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल था टू थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट्स गाइस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स एंड गाइस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था एटीन हंड्रेड यूनिट्स तो गाइस ये आ जाएगा हमारा ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स डू यू अग्री विद दिस वन और गाइस ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल के कॉस्ट पर यूनिट से दैट इज ट्वेंटी सो गाइस ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू ट्वेंटी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन खाली चेक कर रहा हूँ ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ज फोर लैख एट थाउजेंड बिकॉज मैं आज कैलसी लेके नहीं बैठा हूं एकदम क्लियर तो ये आ गया हमारा रॉ मटीरियल कंज्यूम रॉ मटीरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट लेबर इज थ्री लैख सिक्स थाउजेंड सो so, डायरेक्ट लेबर इज थ्री लैख सिक्स थाउजेंड डायरेक्ट लेबर के बाद आ रहा है गाइज हमारा फिक्स ओवर अब मैंने आपको कहा था कि फिक्स ओवर को गाइज आपको अज्यूम कैसे करना है गाइस फिक्स्ड ओवर को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच एवर इज लेस सो गाइस एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट विच एवर इज लेस यहाँ पे मैं एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ वर्किंग नोट फिक्स्ड ओवर का और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हमारा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा तो गाइज थर्टी थाउजेंड यूनिट बजटेड थे थ्री लाख डिवाइडेड बाई थर्टी थाउजेंड सो थ्री लाख डिवाइडेड बाई थर्टी थाउजेंड करूँगा तो बजटेड कॉस्ट पर यूनिट आएगा रुपी टेन पर यूनिट डू यू अग्री विद दैट और गाइज मैं एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट करूँगा तो अभी ये आएगा हमारा थ्री लाख डिवाइडेड बाई सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट्स हम यूज़ कर पाए थे सो गाइज डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं गाइस थ्री लाख डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड बताइए ना जरा एक बार थ्री लाख डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस प्लीज चलो फटाफट आंसर बताओ प्लीज फोरटीन पॉइंट सेवन जीरो रुपीज फोर्टीन पॉइंट सेवन जीरो पर यूनिट आ रहा है तो गाइज़ एब्जॉर्ब किस पे करोगे सर हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे विच एवर इज लेस मतलब टेन पर यूनिट पे एब्जॉर्ब करेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टेन आएगा तो गाइज़ यहाँ का कैलकुलेशन आना चाहिए आपका ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टेन एंड गाइज दैट हैज टू बी टू लैख फोर थाउजेंड आई होप यू ऑल आर वेरी 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 क्लियर विद दिस डू यू अग्री विद दिस गाइज टू लैख फोर थाउजेंड ही आना चाहिए बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट पर पर यूनिट यूनिट और बजटेड एवर इज 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 लेस लेस सो इट मेजर करेंगे एंड नाउ आई विल गो अहेड सो गाइज नाउ द कैलकुलेशन फोर लैख एट थाउजेंड फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन नाइन लैख एटीन थाउजेंड मेरा कॉस्ट आ जाएगा नाइन लैख एटीन थाउजेंड मेरा कॉस्ट आ जाएगा और गाइस फिनिश गुड्स के कॉस्ट पर यूनिट की बात करूंगा मैं तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट पर यूनिट विल बी नाइन लाख एटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड गाइस चलिए आंसर दीजिए नाइन लाख एटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लीज गिव मी दिस आंसर प्लीज नाइन लाख एटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड आई वॉन्ट योर आंसर प्लीज गाइस फॉर्टी फाइव चलो गाइज यहां पे मेरा आंसर आ रहा है रुपी फोर्टी फाइव पर यूनिट एंड गाइज उसका एनआरवी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका एन आर वी फोर्टी पर यूनिट है गाइज इसका एनआरवी रुपी फोर्टी पर यूनिट है सो एन आर वी इज लेस और गाइज अगर एनआरवी लेस है तो रॉ मटीरियल को किस पे मेजर करोगे रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करेंगे मतलब रॉ मटेरियल को नाइनटीन पे मेजर करेंगे फिनिश गुड्स को फोर्टी पे मेजर करेंगे तो गाइज अब मैं निकाल रहा हूं इसका क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालना है रॉ मटेरियल का तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 1800 हंड्रेड यूनिट्स गाइज इन टू एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक है 2400 थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट सो दिस इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यूनिट गाइज इंटू फोर्टी कैलकुलेटर्स विथ यू एटीन हंड्रेड इंटू नाइनटीन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू फोर्टी गेट मी दी आंसर गाइज ले लेता हूँ मैं आंसर यहाँ से 1800 into 19 is equal to 34,200 and 2400 into 40 guys is equal to 96,000 so 34,200 plus 96,000 how much is 34,000 it's 1 lakh 30,200 tell me jagas tell me kitne logo. ye question se important calculation tha yevala subse important calculation tha yevala Tell me, are you all getting this answer, guys? This is my question number three from the final push that is 34,296,000, 1,30,200. Jakas. Great. Chalo. Jaspreet ko aara hai, Arjun ko aara hai, Sujan ko aara hai, Harita is also getting that. Absolutely fantastic. Sujoy is getting, Aarti is getting, Harita is getting. अर्जुन अगेन इज गेटिंग प्रियंका फैंटास्टिक उत्कर्ष फैंटास्टिक टू गुड ग्रेट ग्रेट लवली चलो गाइस कैन आई गो अहेड एक और क्वेश्चन अगर हो जाए सो so, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस फाइनल पुश मैंने कंप्लीट कर दिया है फाइनल पुश को छोड़ के गाइस थोड़ा कंपाइलर का क्वेश्चन सॉल्व करें कैन आई पिकअप द कंपाइलर बिकॉज और दस मिनट है और दस मिनट हम लोग आराम से कंपाइलर सॉल्व करेंगे आज हमें सिर्फ वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री करना है कल भूलना नहीं कल संडे है बट संडे भी हम लोग मिलेंगे और हम चैप्टर सॉल्व करेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इन कॉपरेशन और ये चैप्टर हम लोग कल सॉल्व करेंगे सो so, इसे भी बंद करता हूँ बट मेरी कंपाइलर यहाँ पे शुरू है और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कई क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व कर रहा हूँ मैं कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर थ्री ये सरप्राइज़ एलिमेंट बहुत मजा आएगा क्योंकि रोज़ हम लोग कुछ नया नया करते रहेंगे मे 19 के आर को सॉल्व कर रहा हूँ मे 19 का आर सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे दीपिका की ख्वाहिश पूरी करेंगे हम लोग दीपिका कह रही थी कि सर हाँ दीपिका आप रीड करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ठीक है चलिए फर्स्ट वन दश कह रहा है सर फर्स्ट कंपाइलर के फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है ठीक है दर्श मैं देख लेता हूँ on 31st of march 2017, the business firm finds that cost of partly finished unit is 530. cost of partly finished units is 530. the unit can be finished in the year 2017-18 by additional expenditure of 310. the finished units can be sold at 750, subject to the payment of 4% of brokerage on the selling price. the firm seeks your advice regarding the amount at which the finished units should be valued as on 31st of march 2017 for the preparation of final accounts.

वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी निकालना है मतलब अंडरस्टैंडिंग आएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स हाँ यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स आएगा फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड एट सेवन फिफ्टी सो फिनिश गुड्स कैन बी सोल्ड एट सेवन फिफ्टी लेस गाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्प्लीशन गाइज हमज इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन थ्री हंड्रेड एंड टेन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कम्प्लीशन बोला गया है गाइज माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड गाइज हमज इज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल फोर परसेंट इज द ब्रोकरेज और फोर परसेंट किसका निकालना है गाइज सर फोर परसेंट निकालना है सेवन फिफ्टी का सेवन फिफ्टी का फोर परसेंट निकालना है भूलना नहीं मेरे ख्याल से तीस रुपया आएगा सो सेवन फिफ्टी में से तीन सौ दस रुपया माइनस करोगे सेवन फिफ्टी में से तीस रुपया माइनस करोगे सो गाइस टेल मी कि हम इसका क्या करें चलो सेवन फिफ्टी माइनस थ्री टेन माइनस थर्टी हाँ मुझे सेवन फिफ्टी माइनस थ्री टेन माइनस थर्टी फोर हंड्रेड एंड टेन सो गाइज इसे कॉस्ट पे वैल्यू करोगे या एनआरबी पे वैल्यू करोगे गाइज कॉस्ट और इज लेस आई गेस दैट इज हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस को रुपी फोर हंड्रेड एंड टेन पे वैल्यू करेंगे बट ये आंसर लिखते वक्त भी पहले एस पर एस टू इन्वेंट्री का डेफिनेशन आना ही चाहिए प्लीज ये दिमाग में डाल दो कि दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एन आंसर इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज एंड गाइज अगेन एस पर एस टू इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट ये तो आना ही चाहिए हिफ्टी फाइव मिनट्स डन एंड फिफ्टी फाइव मिनट्स में हम लोग ने चार क्वेश्चन सोल्व कर लिए फिफ्टी फाइव मिनट्स में पूरा ए एस टू रिवाइज कर लिया जकाज बोलो गाइज जकाज बोलो गाइज एक और क्वेश्चन हो जाए एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन हो जाए लास्ट क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर मे नाइनटीन का पेपर मैं कभी भी थोड़ा सा लगता नहीं है कि मैं सैटिस्फाइड रहता हूँ ये करना है करना है करना है सो गाइज आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर फोर एंड आई एम लुकिंग एट मे नाइनटीन का पेपर गाइज आप बताइए एबनॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज शुड इट बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री गाइज एबनॉर्मल वेस्टेज शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री दी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एब वेस्टेज शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीजैक्टली क्लियर दैट गाइस, शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री अब गाइस 16,000 थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ रॉ मटीरियल यूज किया गया था एट वन सो गाइज रॉ मटीरियल कैलकुलेशन जरा फटाफट कीजिए सिक्सटी थाउजेंड इन टू वन नाइंटी का आंसर दीजिए मुझे गाइस सिक्सटी थाउजेंड इंटू वन नाइन्टी करेंगे तो थर्टी लाख फोर्टी थाउजेंड आएगा थर्टी लाख फोर्टी थाउजेंड आएगा गाइस नॉर्मल वेस्टेज कितना है गाइस नॉर्मल वेस्टेज है फाइव परसेंट अगर नॉर्मल वेस्टेज फाइव परसेंट है तो गाइस सिक्सटीन थाउजेंड का फाइव परसेंट नॉर्मल वेस्टेज आएगा गाइस टेन परसेंट सोलह सौ फाइव परसेंट आएगा आठ सौ सो गाइस नॉर्मल प्रोडक्शन कितना आना चाहिए नॉर्मल प्रोडक्शन आना चाहिए आपका सिक्सटीन थाउजेंड माइनस एट हंड्रेड दैट इज़ पंद्रह हज़ार दो सौ आना चाहिए सो गाइस कॉस्ट पर यूनिट एट नॉर्मल प्रोडक्शन कितना आना चाहिए गाइस कॉस्ट पर प्रोडक्शन एट नॉर्मल प्रोडक्शन आना चाहिए थर्टी लैख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी लैख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड मच इज़ मजिज थर्टी लाख फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड टू हंड्रेड आ रहा है गाइस आंसर आ रहा है टू हंड्रेड अब यू एग्जैक्टली क्लियर विद डेट वन सो टू हंड्रेड इज द कॉस्ट पर यूनिट एट नॉर्मल प्रोडक्शन गाइस एक्चुअल वेस्टेज कितना आया है गाइज अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल वेस्टेज कितना आया है तो एक्चुअल वेस्टेज आया है एट द एंड ऑफ द ईयर 950 मैट्रिक टन्स वाज मेट्रिक इन द स्टॉक द अकाउंटेंट वांट्स टू नो हाउ हिज वेस्टेज इज टू बी कैलकुलेटेड गाइस 950 वेस्टेज था एक्चुअल वेस्टेज था 950 सो गाइस एबनॉर्मल वेस्टेज कितना होगा तो भाई अपना एबनॉर्मल वेस्टेज कितना होगा सर हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज होगा नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस एट हंड्रेड इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ये एबनॉर्मल वेस्टेज होगा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आया तो अभी तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन आया अभी गाइस 15,200 तो नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए था बट 150 का एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया है सो so गाइज 150 का एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया है तो 15,050 एक्चुअल प्रोडक्शन आया है गाइस दैट इज़ 15,200 का एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए था गाइस इसमें से 15,050 प्रोड्यूस हुआ है और गाइज ये है एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज कितना है 150 है गाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट 200 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर यूनिट 200 से और गाइज़ 15,050 थाउजेंड हाउ मच इज़ 15,050 हाँ फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड हाँ मजिज़ वन फिफ्टी टू फिफ्टी थर्टी थ्री थाउजेंड वन टू थ्री एंड फिफ्टीन टू जै थर्टी वन टू थ्री थर्टी थाउजेंड गाइज ये चला जाएगा पी एन एल अकाउंट में ये चला जाएगा पी एन एल अकाउंट में थ्री थाउजेंड शुड बी चार्ज टू पी एन एल मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया एक दो तीन एंड फिफ्टीन टू ज थर्टी गाइज मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा नहीं लिखा है बरबर लिखा है ना वन फिफ्टी इन टू टू हंड्रेड एंड गाइज ये है ना थर्टी लैख टेन थाउजेंड ये गाइस थर्टी लाख टेन थाउजेंड है ना ये इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब हो जाएगा ये इन्वेंट्री में एब्जॉर्ब हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब ये इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा थ्री थाउजेंड आ रहा है एक जीरो मैंने ज़्यादा लिख दिया है चलो फिफ्टीन टू ज थर्टी यार थर्टी थाउजेंड आ रहा है मेरा तो आंसर अभी भी मेरे को क्यों ऐसा थ्री थाउजेंड नहीं दिख रहा है थ्री थाउजेंड चलो थ्री थाउजेंड गाइज डिड यू गेट दिस आंसर आई एल इट टिल चिल्ड आई गेस आप लोग सब एंजॉय कर रहे हो गाइज एक काम करो ना यार ये थोड़े न्यूज़ uh, स्प्रेड करो लोगों को बोलो ये लेक्चर्स ज्वाइन करने के लिए वी रिक्वायर लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ पीपल हु कैन जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस गाइज है ना इतना सब कुछ फ्री में करवा रहा हूँ तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड एंड जकास बोलते जाओ और रोज जुड़ते जाओ ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है थर्टी के इज करेक्ट है आप सही हो मैं सही होता हूँ तुम लोग मुझे थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड बोलते हो मैंने टेक्स्ट बुक में थ्री थाउजेंड लिखा है इसलिए आपने थ्री थाउजेंड बोल दिया थर्टी थाउजेंड इज करेक्ट गाइस टुमारो कल का मेन्यू क्या होगा कल का मेन्यू होगा हमारा चैप्टर नंबर फोर और क्या करने वाले है? हम लोग चैप्टर नंबर फोर में कल पी पी आई दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉपरेशन कर रहे हैं ग्रेट जकास है कोई डाउट टू गुड ग्रेट काफी है गाइज आज के लिए थैंक यू एवरी वन लव यू ऑल टेक केयर बाय बाय मीट मी एट वन थर्टी टूमोरो शार दश आई विल टेक केयर ऑफ योर डाउट डोंट वरी अबाउट दैट बेटा डोंट वरी यू कैन राइट अ मैसेज टू मी आई आई जस्ट क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो डन गाइज थैंक यू टेक केयर बाय बाय लव यू